है वो प्रोड्यूस किया, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, जबकि उनके अनुसार ये पीपल फ्रेंडली बजट है? देखिए वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिस पे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। अवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन्स के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और वो प्रोड्यूस किया, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, जबकि उनके अनुसार ये पीपल फ्रेंडली बजट है? देखिए वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिस पे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन्स के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और